हजार हैं, इसके बारे में कुछ तफसीली बात इरशाद फरमा दें। सही हदीस है बिल्कुल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को एक बालिश ऊंचा करने से मना किया और कब्र को पक्का करने से भी मना किया। जब नबी की सरी और सही हदीस आ गई है तो बहस ख़त्म। चारों आइम्मा के नज़दीक, चारों फुकहा के नज़दीक और तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक कब्रों को पक्का करना, उनको ऊंचा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है। ईसाइयों से इबरत हासिल करो, अमेरिका और यूके के कब्रिस्तान जाके देखो, उनमें कोई आपको डबल मंजिला कब्रों पे इमारतें नज़र। अहले किताब में बास चीज़ें अच्छी रह गई हैं, क्योंकि ये अहले किताब में भी यही था कि कब्र को पक्का करने की इजाज़त नहीं, तो वो लोग इस पर अमल कर रहे हैं। आप देखो अमेरिका और लंदन के कब्रिस्तानों का यूट्यूब पे विजिट करो तो आपको सादा कब्रें नज़र आएंगी, और पाकिस्तान लिखोगे तो आपको कब्र कम और वो कोई बिल्डिंग ज़्यादा नज़र आएगी वो, और उसमें बाज़ दफ़ा मुर्दा भी नहीं होता अंदर, और बाज़ दफ़ा आदमी नहीं होता, पता नहीं कौन होता है। कोई चर्सी हीरोइन ची मरता है उसकी कब्र पे बना लेते हैं अजीब अजीब। मैं भी थाईलैंड से होकर आया हूँ ना, वहाँ मैंने बुत परस्ती देखी, तो बुतों के बारे में वहम है कि ये यूं कर देगा, ये यूं कर देगा। तो मुझे ख्याल हुआ कि जैसे इनके पास इन बुतों के बरहक होने की कोई दलील नहीं है, तवहुमात हैं, ऐसे ही हमारे पास मज़ार परस्ती और इन रूहानी टोपी ड्रामों के बरहक होने की कोई दलील नहीं है, सिर्फ तवहुमात हैं। वो तवहुमात क्या हैं? हिंदुओं का नतीजा है कि हमारा, हमने फलां भगवान की मन्नत मानी थी, हमारा फलां काम हो गया था। बाज़ दफ़ा काम हो भी जाता है ना, तो उनके पास ऐसे कुछ वाकयात होते हैं, वो वाकयात लोगों को सुनाते हैं, लोग यकीन कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी जो रूहानी टोपी ड्रामे मार्केट में चल रहे हैं, इनके पास भी वाकयात की एक फहरिस्त होती है। फलां आया था, मैंने फलां वजीफा बताया था, उसका फलां काम हो गया था। तो अल्लाह ने भगवान के जो पत्थरों के बने हुए बुत हैं उनके बातिल होने की दलील में ये नहीं कहा कि इनसे तुमने फलां मौके पे मदद मांगी थी और काम हो गया था, बल्कि अल्लाह ने कहा कि तुम कितनी चीजें इनसे मांगते हो वो पूरी नहीं होती। एक दलील ये दी, अलहुम अर्जुलु यमशून बिहा, क्या इनके पांव हैं जिससे चल सकते हैं? यानी अल्लाह ने बताया कि ये अपना काम नहीं बना सकते तो तुम्हारा कहां से बनाएंगे, लिहाजा जो काम तुम्हारे हो गए वो इन्होंने नहीं किए, वो किसने किए? अल्लाह ने किए, और इनकी वजह से नहीं कि वो वैसे ही गरीबी में कुछ काम हो जाते हैं। ऐसे ही रूहानी टोपी ड्रामे के से किसी को फायदा हो गया तो ये मत देखो फायदा ही फायदा, वैसे ही होना था। हर आदमी के मुकद्दर में बीमारी के बाद मौत नहीं होती, बहुत से लोगों के में बीमारी के बाद शिफा भी लिखी होती है। तुम ये देखो कि जो अपने आप के काम ठीक नहीं कर सकता वो तुम्हारे काम कहां से ठीक करेगा। जो रूहानी इलाज वाला तुम जा रहे हो उसके पास कि मेरी फलां जगह सेटिंग चल रही है, वो लड़की मुझे मिल जाए, ज्यादातर यही हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं जो पठान होटल से फ्री फोकट में दो पराठे नहीं उठा के ला सकता, वो तुम्हारी महबूबा को तुम्हारे कदमों में बोलो भाई कहां से ला सकता है। तो कुरान का तर्ज ये है कि इनके आजिज होने के दलाइल दे रहा है, और आप इनके आजिज होने के दलाइल पे गौर नहीं कर रहे, जो काम तुक्के में हो गए उनको हाईलाइट कर रहे हो। मुझे कैंसर था, मैं हजरत जी के पास गया, कैंसर ठीक हो गया है भाई। मेरी टांग टूट गई थी, मैं फलां के पास गया, टांग टूट गई। मेरे गुद्दे में पथरी थी, उन्होंने फूंक मारी, पथरी निकल गई। अरे अगर पथरी निकल रही होती, ठीक है निकल गई आपकी, मानता हूं इनकी फूंक से नहीं निकली, वैसे ही निकली है। हर एक की पथरी ने अंदर रहना नहीं होता। तो यही वो तवहुम परस्ती है जिसकी वजह से शिर्क आया है। फला ने बुत के सामने झुका था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया। फला मजार पे गया था दाता दरबार के, तो देखो उसके औलाद हो गई, इसका मतलब मजारों से भी होता है। तो भाई अगर ऐसे हो रहा होता ना, आप ये देखो कितने गए हैं उनको फिर भी औलाद नहीं मिली, और कितने नहीं गए हैं फिर भी हो गई औलाद उनको। तो कुरान का जो दलाइल बयान करने का तर्ज है ना, वो ये नहीं है कि इनसे क्या क्या हो रहा है। कुरान कह रहे हैं जो खुद आजिज हैं, तो जो मजार में पड़े हुए हैं, चाहे वो वलीउल्लाह ही क्यों ना हो, भाई वो तो हिल नहीं सकते, वो कब्र से बाहर नहीं आ सकते। वो मैंने बताया था ना एक वाकया, एक फालिज ज़्यादा आदमी का फोन आया मेरे पास, आधा धड़ उसका क्या है फालिज। उसने कहा मैं मजार पे जाना चाहता था, तो मैंने आपका बयान सुना, मैंने जाने का इरादा तर्क कर दिया। मैंने कहा चलो एक आदमी को हिदायत मिली अल्लाह के फजल से। फिर मैंने उसको मजीद मिसाल दी, मैंने कहा देखो आपका आधा धड़ क्या है फालिज ज़्यादा, वो नहीं हिलता।
जो मजार में बुजुर्ग हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, मगर उनके दोनों धड़ बोलो भाई नहीं हिलते। जिसके दोनों धड़ ना हिल रहे हो वो आपका आधा धड़ कहां से सही करेगा भाई। तो ये कुरान का स्टाइल है दलाइल देने का। आप इसमें कह सकते हो बुजुर्गों की तौहीन है, तौहीन नहीं है, ये तो उनका आजिज होना बयान किया जा रहा है। ये आजिज होना तो अल्लाह ने पैगंबरों का भी बयान किया है। ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का रब मानते हैं ना, अपना रब मानते हैं ना, अल्लाह ने कहा ईसा इब्ने मरियम खाना खाते थे, जो रोटी और खाने का मोहताज है वो खुदा कहां से हो सकता है। तो क्या ये ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन कर दी अल्लाह ने? बोलो ना भाई, तौहीन थोड़ी की है। बताया कि भाई वो आजिज है, वो भूख के लिए रोटी के मोहताज हैं, तो वो खुदा नहीं हो सकते। तो हम भी कह रहे हैं जिन बुजुर्ग के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, अगरचे वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, तो फालिस ज़्यादा आदमी का आधा धड़ कैसे सही कर देंगे? बाज़ लोग कहते हैं नहीं, हम उनसे जाके कहते हैं कि आप, हम उनसे दुआ नहीं मांगते, उनकी कब्र पे जाके कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगे हमारे लिए। किससे दुआ मांगे? अल्लाह से। तो सवाल पैदा होता है कि क्या असलाफ में यह तरीका था? नंबर एक, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप कब्र में जाके जब उनसे कहेंगे कि अल्लाह से दुआ मांगे, तो इसकी क्या दलील है कि वो आपकी ये पुकार सुनेंगे? कुरान तो कह रहा है इन्नक ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। अब ये मुर्दों वाला मसला आ जाएगा, इस पे क्लिपबाजी शुरू मेरे खिलाफ। कुरान क्या कह रहा है? तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। मेरा ये नजरिया कि मुर्दे नहीं सुनते। अगर किसी का नजरिया सुनते हैं तो भाई उसका होगा। बाज़ अकाबिर इस तरफ गए हैं कि सुनते हैं, उनके भी अपने दलाइल हैं, लेकिन मुझे जो दलाइल से जो बात सही मैं बयान कर रहा हूं, किसी की शान में मैं तौहीन नहीं कर रहा, क्योंकि कुरान की इतनी वाज़ह नस मौजूद है इस बारे में कि आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। बाज़ कहते हैं हम सुना नहीं सकते, लेकिन इस कुरान में ये कहें कि वो सुन नहीं सकते। असल में यहां सुनाने का मकसद क्या है कि वो सुन नहीं सकते, इसलिए तुम उनको नहीं सुना सकते। तो यहां इबारत मुकद्दर है फइन्नक ला तुस्मिउल मौता फइन्नहुम ला यस्माउन, तुम उनको सुना इसलिए नहीं सकते कि उनमें सुनने की सलाहियत खत्म हो गई है। तो असल में कुरान ये बताने के लिए चाह रहा है कि मुर्दों में सुनने की सलाहियत है ही नहीं, क्योंकि आगे आता है ला तहदिल उमिया, तुम अंधों को रास्ता दिखा नहीं सकते। तो जैसे अंधा ना देख नहीं सकता इसलिए नहीं दिखा सकते, तो मुर्दा भी चूंकि सुन नहीं सकता इसलिए आप उसको सुना नहीं सकते। बिल्कुल नस है ये कुरान की, बिल्कुल वाज़े। अब तो अजीब हो रहा है, बाज़ लोगों ने मुर्दों को कब्रों से दिखाना भी शुरू कर दिया, कह रहे हैं सुनना तो दूर के बाद मुर्दा अंदर से देख भी रहा है बाहर। भाई इतना गुलूम मत करो, सुनने में इख्तलाफ है, वो इख्तलाफी मसला है। हाँ, अहदीस में जहां सुनना साबित है, जिन मौाक़े पर, हम वहां भी सुनने के कायल हैं। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है कि जब दफना के लौटते हो तो मुर्दा चप्पलों की आवाज सुनता है, वहां हम कायल हैं सुनने के, ताकि कुरान और हदीस में क्या हो जाए, तदबीक हो जाए। तो फिर दूसरी बात, ये इसे शिर्क फैलता है, और चलो फर्ज किया वो सुनते भी हैं, तो क्या जिंदा दुनिया में कम पड़ गए जो आप मुर्दों के पास जा रहे हो? हैं भाई, कब्र में जाके आप मुर्दों से कह रहे हो कि सुने, तो क्या जिंदा बुजुर्ग दुनिया में नहीं है? खास तौर पर जब एक अमल से बिदत की ताईद हो रही हो और ये असलाफ का तरीका भी ना हो। असलाफ का ये तरीका नहीं था कि कब्रों पे जाके वो यूं कहा करते थे, वो जिंदों से दुआ की दरख्वास्त करते थे। तो जब ये तरीका भी नहीं है तो ये तरीका बहरहाल सुन्नत के खिलाफ। और दूसरी बात ये कि बास चीजें बजात खुद जायज होती हैं, मगर वो एक नाजायज चीज का जरिया बन रही होती हैं, इसलिए मना कर दिया जाता है। ये चीज शिर्क ना भी हो तो शिर्क का जरिया बहरहाल है, क्योंकि कब्र परस्ती इसी से फैलती है। हमें जो कब्रिस्तान जाने का हुक्म है कुरान और सुन्नत में, वो इबरत के लिए। वो किसके लिए? कि भाई आज ये चले गए, कल हमने भी जाना है। फजूरुहा फइन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र की जियारत करो इसलिए कि वो आखिरत को याद दिलाती है। इसलिए भाई इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, बुजुर्गों का एहतराम करें, उनके लिए दुआएं करें, और मज़ारों पे, वैसे कब्रिस्तान जाएं, मज़ारों पे स्पेशली ना जाएं, क्योंकि मज़ारों पे हल्ला गुल्ला होता है, धूम धड़क्का होता है, तो आपके जाने से मजमा बढ़ेगा और बिदत की ताईद होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मेले ठेले होते हैं ना,
तो जैसे नबी की कब्र की हिफाजत जरूरी है कि ईदगाह ना बनाया जाए, ऐसे ही बुजुर्गों की कब्र की हिफाजत भी जरूरी है कि उनको ईदगाह ना बनाए। किसी ने ज्यारत करनी है बस जाए, बुजुर्ग के लिए दुआ मांगे और पतली गली से निकल ले वहां से। बस जैसे हम नबी की कब्र पे जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातु वस्सलाम पढ़ा और नहीं भी पतली गली से निकलते तो हमें पतली गली से शुरता निकाल देता है। अगर वहां शुरते ना होते तो वो जगह भी ईदगाह बन जाती, एक मेले ठेले लगे होते, एक प्रोग्राम चल रहे होते बाकायदा। तो ये वाले प्रोग्राम कब्रिस्तान में इसकी इजाजत बोलो भाई नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान जो है ना वो आखिरत याद दिलाने के लिए, वो मेले ठेलों की जगह नहीं है। अच्छा मेरे भाई, मुसलमानों ने का दावा करने वाला अगर काफिर हो तो किस तरह मालूम होगा कि मुस्लिम नहीं? खतने चेक कर लो भाई, उसकी पता चल जाएगा मुस्लिम है या नहीं है।